मैं तो कहता हूं कि ये जो संसार में अपूर्णता है, संसार के प्रत्येक संबंध में, संसार की प्रत्येक वस्तु में जो एक अभाव छिपा है, ये अपूर्णता, ये अभाव भगवान की विशुद्ध कृपा है। अगर संसार में कहीं पूर्णता का बोध होता तो जीव कभी भगवान की ओर देखता ही नहीं। आप और मैं इस सुख से, इस रस से सदा वंचित रहते। भाई मैं तो बड़े विश्वास से, अनुभव से कहता हूं, संसार की ठोकर धकेलती है ठाकुर की ओर, तभी जीव जाता है। इसीलिए कबीर कहता है, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था शायद एक बार, स्वामी शरणानंद जी महाराज ने जब अंतिम पत्र लिखा अपने अपने किसी प्रियजन को, अश्रु पूरित नेत्रों से वो संत लिखता है कि इस जीवन यात्रा में मेरे बहुत लोग सहयोगी बने, बहुत लोग सहभागी बने, बहुतों ने मेरे लिए अपने सुख का त्याग किया। मैं सबके प्रति नत हूं, मैं सबका ऋणी हूं, मैं सबको प्रणाम करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करके सबका ऋण चुकाने का प्रयास भी करूंगा, पर इस जीवन में अगर मैं नहीं ऋण चुका सकता किसी का, तो वो अपने जीवन में आने वाले दुख का ऋण नहीं चुका सकता जिसने मुझे दुख हारी भगवान से मिला दिया। अगर दुख ना आता जीवन में तो दुख हरण मुझे कभी ना मिलते। ये संत की दृष्टि है, उसे देखना आता है संसार को, उसे परखना आता है। जब जब खुलती है प्रज्ञा, जब अंतर प्रज्ञा विकसित होती है आपकी भजन की कृपा से, तब आप देख पाते हैं कि ये परिस्थिति वस्तुतः है क्या, क्यों आई है आपके जीवन में। मैं अपने शब्द दोहराऊं, यदि आप साधक हैं, यदि आप गुरु की कृपा से भजन के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके जीवन में आने वाली प्रतिकूलता का बस एक ही कारण है, प्रभु आपको और सुंदर बनाना चाहते हैं। वो संवार देना चाहता है तुम्हें, निखार देना चाहता है तुम्हें, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। इसीलिए बाप दोनों हाथ फैलाकर स्वागत करिए अपने जीवन में आने वाली प्रतिकूलता का दर्शन करके फूटे आपके मुख से ये बोल, तेरे फूलों से भी प्यार तेरे। कभी सोचा आपने, फूल रचने वाला वो है तो फिर कांटा किसने रचा है? फूल की रक्षा के लिए कांटा रचा जाता है। विश्वास करिए आप मेरी बात का, आपको कर लेना चाहिए कि आपके जीवन में आने वाला दुख, आपके जीवन में आने वाली प्रतिकूलता केवल आपको सुघड़ बनाने के लिए आई है, कि आपको पात्र बनाया जा सके, ठहर सके आप में भक्ति का रस, आप संसार के लिए उपयोगी हो सके। बाप ये जीवन का उद्देश्य है।